मेरे पास इस वक्त जेएनयू के मामले में दिल्ली पुलिस की वो स्टेटस रिपोर्ट है जिसे दिल्ली पुलिस ने अब तक जांच के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट में जेएनयू के मामले में जी न्यूज की रिपोर्टिंग और फुटेज का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जेएनयू में 9 फरवरी की घटना को अगले दिन यानी 10 फरवरी को जी न्यूज ने दिखाया, जिसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज से इस घटना की अनएडिटेड वीडियो फुटेज मांगी। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर जी न्यूज ने ये अनएडिटेड वीडियो फुटेज 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस को दे दी। जी न्यूज की वीडियो फुटेज को लेकर इस रिपोर्ट में जो बात लिखी है अब उस पर आपको और खास तौर पर अफजल प्रेमी गैंग को ध्यान देना चाहिए। ये वो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट का पहला पन्ना है, कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट। यह रिपोर्ट है स्टेटस रिपोर्ट जो कि हाईकोर्ट में पेश की गई है कन्हैया कुमार की बेल एप्लीकेशन के दौरान। इस रिपोर्ट में लिखा है, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह अनएडिटेड वीडियो फुटेज वो फुटेज नहीं है जिसे डॉक्टर्ड बताकर कई जगहों पर बहस हो रही है। ये वो फुटेज नहीं है जिसके डॉक्टर्ड होने का आरोप मीडिया और याचिकाकर्ता द्वारा लगाया जा रहा है, बल्कि ये घटना की बिल्कुल अलग और उसी समय पर रिकॉर्ड की गई रॉ अनएडिटेड वीडियो फुटेज है। हालांकि ये वीडियो फुटेज ऐसा इकलौता सबूत नहीं है जिसके आधार पर घटना की जांच आगे बढ़ाई गई। यानी दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट ने जी न्यूज की फुटेज को बिल्कुल सही बताया है। अब मैं आपको बताता हूं वो रिपोर्ट में क्या क्या और लिखा हुआ है। ये देखिए इस रिपोर्ट का सातवां पन्ना, ये इस रिपोर्ट का सातवां पन्ना है और इसमें लिखा है, इट इज रेलिवेंट टू क्लैरिफाई दैट दिस अनएडिटेड वीडियो फुटेज इज नॉट द फुटेज विच इज बीइंग डिबेटेड एज डॉक्टर्ड इन वेरियस सेक्शंस इंक्लूडिंग पिटिशनर एज एलिजेड बाय द मीडिया बट इट इज अ टोटली डिफरेंट एंड कंटेम्पोरेनियसली रिकॉर्डेड रॉ एडिटेड वीडियो फुटेज। However, video is not the sole evidence on the basis of which the investigation is proceeding with. साफ साफ इस स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये कहा है, यानी जी न्यूज का फुटेज जो है वो बिल्कुल सही पाया गया है। उसमें लिखा है कि यह घटना के समय पर रिकॉर्ड की गई सच्ची वीडियो फुटेज है जिस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए देशद्रोही नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी।